जय हिंद। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार। अभी जो एवरेज चैप्टर चल रहा है, एवरेज चैप्टर का आज चौथा क्लास है, ठीक ना। पिछले तीन क्लास हो चुका है, आज चौथा क्लास है। देखिए क्या दिया हुआ है, एवरेज इसका है औसत। लगातार अभी थ्योरी चल रहा है, ठीक ना। थ्योरी के बाद हम सवाल बताएंगे, इसमें बहुत सारा सवाल हम बताएंगे एवरेज चैप्टर में। देखिए क्या दिया हुआ है, लगातार एन तक की प्राकृतिक संख्या का औसत अगर पूछेगा तो उसका ये फॉर्मूला हो जाता है n प्लस वन बाई टू। इस पर हम एक एग्जांपल देती हैं जिससे कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको जो है याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। ये याद रहेगा तो बहुत ही आसान तरीका से ये सवाल बन जाएगा, ठीक ना। क्या दिया हुआ, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का औसत n प्लस वन बाई टू। इसमें देखिए हम एग्जाम्पल जो दिए हैं इसमें देखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत जैसे कि रहेगा 1, 2, 3, इसी तरह प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी तरह दिया हुआ है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। तो इसमें देखिए n बराबर हो जाता, जो संख्या दिया हुआ रहेगा वह n हो गया। जैसे 10 है तो 10, तो n हो गया 10 प्लस 1 बाई 2 कितना हो गया 11 बाई 2। इसको कटाएंगे तो 5.5 इसका आंसर हो जाएगा। लगातार 10 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना हो गया 5.5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, उसको बनाते हैं। अब जो है इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या दिया हुआ है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत। देखिए लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत बराबर होता है, ये फॉर्मूला है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। इसको जो है याद रखना है, याद रहेगा इस तरह का जितने भी सवाल आएगा बहुत आसानी तरीका से बन जाएगा, ठीक ना। देखिए इसमें सवाल दिए हैं, इस तरह हम बहुत सारा सवाल हम बताएंगे। इसमें फर्स्ट नंबर का ये सवाल देखिए, प्रथम 20 तक के प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, प्रथम 20 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसी तरह करके 20 तक का बोल रहा है, 20 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत। अब देखिए शॉर्ट नियम से तभी बनेगा जब ये फॉर्मूला यूज होगा, अन्यथा शॉर्ट नियम नहीं होगा। सबका स्क्वायर करना पड़ेगा, सभी को जोड़ना पड़ेगा और उतना अंक से भाग देना पड़ेगा। जैसे 20 संख्या है, 20 से भाग देना पड़ेगा, उसके बाद औसत इतना ही निकलेगा जितना इस फॉर्मूला से निकलेगा, ठीक ना। अब देखिए n बोल रहा है कि 20 प्राकृतिक संख्या, n का मान हो गया 20, ठीक ना। तो 20 प्लस 1 इंटू औसत पूछ रहा है ना, 20 प्लस 1 इंटू कितना हो गया 2n, 2 गुना 20 प्लस 1 हो गया, बटे कितना है 6, तो 6 हम कर दिए, बराबर कितना हो गया, बराबर 21 गुना कितना हो गया 20 गुना 40 41 बटे 6, कटाइए तो 3 गुना 6 21 बराबर हो जाएगा 7 गुना 41 बटे 2, इतना गुना करने पर कितना आएगा, इतना गुना करेंगे तो 143.5 आएगा, 143.5, ठीक ना, इतना आ जाएगा। इतना गुना करने के बाद 143.5 इसका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट नियम तभी बनेगा जब ये फॉर्मूला यूज होगा, अन्यथा शॉर्ट नियम इस सवाल का नहीं होगा। जैसे 1 का स्क्वायर, इसको जोड़िए, सभी को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद इसमें भाग देना पड़ेगा। इसलिए ये नियम बहुत ही अच्छा है, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब हम अगला थ्योरी दे रहे हैं, उस पर भी हम एग्जाम्पल देंगे। अब जो है इस सवाल को देखिए क्या दिया हुआ है, इस सवाल को पढ़िए, लगातार n तक की सभी क्रमागत सम संख्या के वर्गों का औसत। देखिए लगातार n तक की सभी क्रमागत सम संख्या के वर्गों का औसत बराबर होगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 3, ठीक ना। इस तरह का जितना भी सवाल आएगा इस पर बनाइए, बहुत ही शॉर्ट नियम है ये, देखिए इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। सम संख्या पूछेगा तो इस पर बना दीजिए, ठीक। लगातार n तक के सभी क्रमागत सम संख्या के वर्गों का औसत बराबर हो गया n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 3। हम इस पर एग्जांपल दिए हैं जिससे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए प्रथम 12 तक के सम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, प्रथम 12 तक के सम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। जैसे कि सम संख्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का, 6 का, इसी तरह
प्रथम 12 तक निकालना है, ठीक ना। तो इस पर ये फॉर्मूला है n, n प्लस वन, इसका एवरेज निकालिए। n, n का मान कितना है, 12 प्लस वन इंटू कितना हो जाएगा, n प्लस टू, यानी कि 12 प्लस टू बटा हो गया 3, बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 12 एक 13 गुना 12 तो 14 हो गया ना, गुना 3, टोटल गुना करने पर कितना आ जाएगा, 13 गुना 12 करने पर कितना आ जाएगा, कीजिए 13 गुना 12 करने पर कितना आया है, 182 आ जाएगा ना, 182, 13 गुना 13 169, हाँ 182 आ जाएगा, ठीक 182 बटे 3, इसको कटाइए 6 3 18 0 2 0 यानी कि 6 6 60.66 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना, 60.66 इसका आंसर हो गया, 60.66 इसका आंसर हो गया। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, उसको बनाते हैं। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, लगातार n तक की सभी प्राकृतिक विषम संख्या के वर्गों का औसत अगर पूछेगा तो इसका यह फॉर्मूला हो जाएगा n into n plus 2 by 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें देखिए, इसमें ये भी होना जरूरी है, n विषम संख्या या सम संख्या के वर्गों का औसत निकालने के लिए n का मान सम या विषम होना चाहिए, अगर नहीं तब उसके पहले का सम या विषम संख्या n हो जाएगा, ठीक ना, उसके पहले सम या विषम संख्या का n का मान हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिए, इसका औसत निकालिए, औसत बराबर ये फॉर्मूला हो गया n into n plus 2 by 3। अब इसमें देखिए, सवाल नहीं दिया हुआ है, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए सवाल, पहले सवाल को लिखते हैं, इसके बाद हम सवाल को बनाएंगे। इसमें जो ये सवाल दिया हुआ है, देखिए प्रथम 10 तक के विषम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, प्रथम 10 तक के विषम संख्या, 10 कौन संख्या ये दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम इसके पहले ले लेंगे, ठीक ना। पहले क्या हो जाएगा, इसका एवरेज निकालिए, 9 n का मान 9 हो गया, 9 प्लस 2 हो गया बटे 3 हो गया, प्रथम 10 तक के विषम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, ठीक। आप देखिए इसको कटा दीजिए, 3 3 9 हो गया, 9 2 11 11 9 3 करेंगे हो जाएगा इसका आंसर 33, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 इसका आंसर हो गया। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, उसको बनाते हैं। अब इस थ्योरी को पढ़िए, ये आज का लास्ट थ्योरी है, अब हम अगले क्लास में थ्योरी को बताएंगे। देखिए क्या दिया, पहले इस थ्योरी को पढ़ लीजिए और इस सवाल को भी बनाइए। लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत पूछेगा तो क्या हो जाएगा, n into n plus 1 का whole square by 4। लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बराबर क्या हो जाएगा, n into n plus 1 का whole square by 4 हो जाएगा। इसमें देखिए, प्रथम 5 तक के प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत क्या होगा, प्रथम 5 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या होगा, जैसे 1 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, इसी तरह 5 का क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। एक प्रथम 5 तक के प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत, अब इसका औसत क्या होगा। अब देखिए इस फॉर्मूला पे अगर नहीं बनाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसका क्यूब करके जोड़ना पड़ेगा, इसका क्यूब करके जोड़ना पड़ेगा, इसका भी क्यूब करके जोड़ना पड़ेगा, 4 का क्यूब करके जोड़ना पड़ेगा, 5 का क्यूब करके जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जितना संख्या है जैसे 1 2 3 4 5 संख्या इसमें होगा तो 5 से इसमें भाग देंगे, वह आंसर आएगा। लेकिन इस फॉर्मूला के बैठाने के बाद देखिए बहुत ही आसान तरीका से ये बन जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ, औसत निकालना है, एवरेज, तो क्या हो जाएगा, एन, एन का मान कितना हो जाएगा, 5 × 5 + 1 का होल स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, 4 है तो 4 हो गया, बराबर कितना हो गया, 5 × 5 = 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 36/4 हो गया। अब इसको कटाइए, 9 4 36 9 5 45, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या निकल गया, 45 इसका आंसर निकल गया। इस तरह का जितने भी सवाल आएगा क्यू निकालने के लिए, अभी तो ये थ्योरी है, बहुत सारा सवाल हम इसमें बताएंगे, क्यू निकालने के लिए जितने भी सवाल आएगा इस पर बनाइए, बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। देखिए एक लाइन में सवाल बन गया, अगर हम इसको
इस पर नहीं बनाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यू करके जोड़िए, इसका इसका सबका क्यू करके जोड़ना पड़ेगा, उतना संख्या से भाग देना पड़ेगा, जो बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा, जिसमें कि यहाँ 5 तक दिया हुआ है, अगर यहाँ 50 तक दिया हुआ रहेगा या 1000 तक दिया हुआ रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, 1000 तक को क्यू करके जोड़ना पड़ेगा उसमें। इसलिए इस नियम पर बनाइए, बहुत ही आसान तरीका से ये बन जाएगा। ठीक, आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, आप मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।